अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे अपने फ्रेंड सर्किल में 4 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से 3 का रेस्पॉन्स यानी कि डिसीशन आ चुका है, 1 का अभी तक पेंडिंग में है, 1 का अभी तक रेस्पॉन्स नहीं आया। 3 दोस्तों का जो डिसीशन आया है, जिनमें से 2 दोस्तों का वीज़ा अप्रूव हुआ है और 1 का रिजेक्ट हुआ है। जिसका रिजेक्ट हुआ है उसका रीज़न ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। इसकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी वीक थी और पाकिस्तान के साथ जो टाइज हैं वो भी वीक थे, तो यही वजह बनी है कि इसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। 2 दोस्तों का वीज़ा जो है वो अप्रूव हुआ है, 3 महीने का वीज़ा मिला है और सिंगल एंट्री वीज़ा मिला है। जिन लोगों ने 2 से 2.5 महीने पहले अप्लाई किया था उनका रेस्पॉन्स आना शुरू हो गया है। कहने का मकसद है कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा प्रोसेस जो है आज की डेट में वो 2 से 2.5 महीने है। ये उनके लिए है जिन्होंने पाकिस्तान से अप्लाई किया है। अगर किसी ने यूएई से, सऊदी अरब, कतर या किसी दूसरे कंट्री से अप्लाई किया है तो उसका प्रोसेस टाइम डिफरेंट होगा। और वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया के विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वर्ल्ड कप के मैचेस देखने के लिए, और अभी तक अगर उन्होंने अप्लाई नहीं किया तो उनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए।